नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के दर्द को समझने के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में पदयात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने अमरावती के गुंजी से इस पदयात्रा की शुरुआत की थी। यहां से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर वो गांव शाहपुर पहुंच चुके हैं। शाहपुर में भी राहुल गांधी खुदकुशी करने वाले तमाम किसानों के परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं और इससे आगे उनका ये सफर चलेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो किसानों के परिवार वालों से रूबरू हो रहे थे। किसान के परिवार वाले अपना दर्द बताते हुए, किसान अपना दर्द बताते हुए मुसीबतों का, जो परेशानियों का एक अंबार है उनके सामने, उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी के सामने। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यह मुद्दा जोर शोर से थाम लिया है। किसानों के को एक तरह से केंद्र बनाकर वो अपनी राजनीति आगे ले जा रहे हैं। इसी में पहले वो पंजाब भी गए, हालांकि शुरुआत तो संसद में ही नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में करने के साथ उन्होंने किया था। संसद में सूट बूट की सरकार, उसके बाद बीते दिन कहा कि फार्मर भी किसान भी मेक इन इंडिया करता है, मोदी सरकार समझ नहीं पा रही। पंजाब गए, वहां में अंबाला में मंडियों में जाकर किसानों से मुलाकात की और अब महाराष्ट्र के विदर्भ पहुंच गए हैं। यह हम आपको गुंजी गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी गए थे मिलने के लिए किसान के परिवार वालों से। ये कुछ इस अंदाज में राहुल गांधी अपनी पदयात्रा आगे ले जाते हुए किसानों से रास्ते में मिलते हुए अलग अलग गांवों में पहुंचते हुए। विदर्भ का ये दौरा है, महाराष्ट्र का वो हिस्सा विदर्भ जहां किसानों की खुदकुशी का सबसे ज्यादा मामला सामने आता रहा है। अब तो घर ठीक हो गया है, तो अपनी बात कह सकते हैं। इसका कोई फोन नहीं उठा रहा था, कोई दिग्विजय सिंह कोई बात नहीं कर रहा था। इसने गलती भी करा था ना, ये सोच रहा था मैं राहुल गांधी का आदमी हूं। करंजिया पहुंचा है अभी। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुनने की भी कोशिश करते हैं किसान क्या बता रहे हैं। कांग्रेस की खोई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को, किसानों की जमीन के मुद्दे को लेकर के कोशिश कर रहे हैं, सियासी रणनीति बना रहे हैं और इस वक्त पदयात्रा पर है। महाराष्ट्र के विदर्भ में गुंजू गांव से निकलकर वो शाहपुर की ओर निकल पड़े हैं। राहुल गांधी इस चिलचिलाती धूप में निकल रहे हैं। राहुल गांधी इस वक्त अपने जो माथे पर है या सर पर आप कहें टोपी लगा ली उन्होंने, उनको अंदाजा है कि धूप कितनी है। राहुल गांधी लगातार आगे चल रहे हैं, लेकिन इस सियासी बयार में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कांग्रेस से ज्यादा यूथ कांग्रेस के झंडे हैं, जो कि बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव की बयार तेज हो चली है। सोनिया गांधी की कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस में तब्दील हो रही है। मुद्दा किसानों का है, राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक अगुवाई राहुल गांधी के हाथों में। तो ये आपने देखा राहुल गांधी इस पूरे पदयात्रा की अगुवाई करते हुए, और जैसा कि विक्रांत बता रहे हैं वहां पर लोग भी, कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस बीच किसानों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश राहुल गांधी की। तो किसान अपने खेत में अनाज की खेती करता है और नेता उसकी जमीन पर सियासत की खेती।